आप लोग डेली मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या जिसको प्रोटीन का ट्रेस आ रहा है या जिसका प्रोटीन पेशाब में से +1 है +2 है, क्या वो ठीक हो सकता है। तो फ्रेंड मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया है, फिर भी आप ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको आज भी आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। तो फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो फ्रेंड सबसे पहले तो अगर किसी को पेशाब में से प्रोटीन का सिर्फ ट्रेस अभी आया है तो आपका ठीक हो सकता है पेशाब में से प्रोटीन आना। वो कैसे? क्योंकि आपको भी आपको इन्फेक्शन लगा है, हल्का इन्फेक्शन है। अब ये इन्फेक्शन या तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या ये आपने कुछ प्रोटीन संबंधी कुछ ऐसी चीजें ली हो जिसकी वजह से ये प्रोटीन आया हो। क्या होता है ना कि आजकल लड़के जो होते हैं ना वो अच्छा लुक पाने के लिए उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, जैसे कि डब्बा खाना, प्रोटीन वाला डब्बा खाना, इंजेक्शन लगाना, और जिम में जाते हैं और जिम में जाकर के जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से भी प्रोटीन का हास होने लग जाता है। तो ये सब बिल्कुल ना करें। आपको पता है मजबूती क्या होती है? मजबूती वो होती है कि जब आपकी किडनी फेल हो जाए, आप दुख में हो, आपके सर सर पे किसी का हाथ ना हो, कोई साया ना हो, लोग आपको ताने मारते हो, और ऐसी अवस्था में भी आप मजबूती से खड़े रहें और डटे रहें और अपने सपनों को पूरा करते रहें, तो ऐसा व्यक्ति ही असली में सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा आकर्षक और सबसे ज्यादा दिखने में अच्छा होता है। बॉडी बना लेना अलग बात होती है, बॉडी बनाने से, एक लुक लेने से, ये सब लौंडिया पटाने के काम होते हैं। ये वही लड़के करते हैं जिनको और कुछ काम नहीं होता है। तो आप अगर ये सब आपने किया है, इसकी वजह से आपका यूरिन में से प्रोटीन आ रहा है, प्रोटीन के ट्रेस आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपने टेस्ट कराइए, उसमें देखिए कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। अगर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे देगा, एंटीबायोटिक देगा, आपको मिनरल्स देगा, आपको नोडोसिस देगा और भी कई टाइप की आपको मेडिसिन देगा। तो वो मेडिसिन आप समय पे लेते रहिए। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको एक्सरसाइज करनी है, आप कम से कम ऐसा खाना खाइए जो आपकी बॉडी को हास करे, जैसे तेल मसाले वाला खाना है, पिज्जा है, या आप भर भर के प्रोटीन खा रहे हैं, आप इतना ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं, ओवर क्वांटिटी में प्रोटीन खा रहे हैं ये सोच के कि आपकी बॉडी बन जाएगी, आपकी मसल्स आ जाएंगी, अरे मैं तो एकदम स्मार्ट लगने लग जाऊंगा, कोई भी लड़की जाएगी तो मेरे को पलट पलट के 4 बार देखेगी, तो ये सब बिल्कुल मत करिए, ये सब बिल्कुल मत करिए। लड़कियां पता है किस पे, लड़कियां किसको पसंद करती हैं आपको शायद आज दिन तक ये नहीं पता है। लड़कियां हमेशा सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़कों को पसंद करती हैं, उन लड़कों को जिन लड़कों के अंदर कुछ काबिलियत होती है बनने की, कुछ करने की, जो टैलेंटेड होते हैं, ऐसे लड़के वो नहीं कि जिन्होंने बॉडी बना ली, माँ बाप का पैसा लेकर के बस उड़ाने में लगे हुए हैं। देखेंगे तो 70% लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद करती है। तो इन सब चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े, बार बार कह रहा हूं मैं, आज खुल के समझा रहा हूं कि आप लोग बार बार कमेंट करे जा रहे हैं इसी चीज के लिए। अपना वेट डाउन करें और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में आप सुबह सुबह पार्क में जाएं, देखे हेल्थ एक्सरसाइज करें, बैठें, पहले तो बैठने के बाद अनुलोम विलोम करें, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर ले जाएं और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने की कोशिश करें। इससे आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे आपके ब्लड में जो भी हानिकारक तत्व होंगे वो आपकी किडनी से बाहर आएंगे और आपके शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाएगा। आपकी किडनी में जहां भी इन्फेक्शन लगा है वहां वो ऑक्सीजन जा पाएगा और आपकी किडनी अपने आप अपने अपने जो होने वाले डैमेज को रिकवर कर लेगी। तो इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा, आप जॉगिंग करें, हल्की हल्की जॉगिंग करें। यही नहीं कि आप बहुत स्पीड में भाग रहे हैं, आप जैसे पीटी उषा बन जाए, आप बुरी तरीके से भागने में लगे हैं, ऐसा भागिएगा मत बिल्कुल भी। हल्का जॉगिंग करें, कम से कम नहीं तो 2 से 3 किलोमीटर की जॉगिंग करें डेली डेली करें, सुबह और शाम करें। कभी भी खाली पेट चाय कॉफी इन सब का ना लें, कभी भी खाली पेट चाय और कॉफी नहीं लेनी चाहिए, ये आपके पेट में जाकर के एसिड लेवल को बढ़ा देती हैं, जिससे आपके शरीर में पित्त का लेवल बढ़ जाता है, आपका पीएच लेवल भी गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ +2 प्रोटीन वाले को। तो देखिए अगर आपका +2 प्रोटीन है तो वो भी ठीक हो सकता है। ठीक होने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी मेडिसिन बताई हैं, उन मेडिसिन को आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जिनको +3 +4 प्रोटीन आता है। तो +3 और +4 प्रोटीन वाले के यूरिन में से बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन आ रहा होता है, समय लगता है इसको ठीक होने में।
और ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज्यादा लापरवाहियां करने लग जाते हैं, इतना प्रोटीन आने के बाद आप सिगरेट पी रहे हैं, आप तम्बाकू खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि आप जिम में जाके पाउडर खा रहे हैं, आप हैवी हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो भी आपका इसको आपकी बॉडी पे इफेक्ट देखने को मिलता है और भी ज़्यादा प्रोटीन का हास आपके होने लग जाता है। तो आप हल्की एक्सरसाइज करिए और जो मेडिसिन आपका डॉक्टर आपको दे रहा है चाहिए तो वो लीजिए, उससे आराम नहीं पड़ रहा है तो मैंने जो आपको मेडिसिन बताई हैं आप वो मेडिसिन ले सकते हैं। अभी जल्दी ही मैं ये पार्ट लेकर के आया हूँ मेडिसिन वाला, पहले भी लाया था लेकिन मैंने फिर से आपके कमेंट्स की वजह से वो मेडिसिन दोबारा से दोहरा दी थी। बहुत सारी मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं और भी मैं मेडिसिन लेके आता रहूँगा धीरे धीरे, जैसे जैसे मुझे मेडिसिन के बारे में अच्छा अच्छा पता चलता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको अच्छी अच्छी मेडिसिन बताता जाऊँगा। तो आशा करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती, सारी बीमारी ठीक हो सकती है, कुछ बीमारियाँ ही ऐसी होती हैं जो कि ठीक नहीं हो सकती। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।